लाल मोहम्मद शेख, ब्लॉक नंबर 11 मुमरा गोसा का मैं अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे जो भी कांग्रेस के हमारे छोटे बड़े जो भी मेम्बरान्स हैं सबकी तरफ से जो है ये पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये सरकार कहीं ना कहीं फेल है, जैसे कि आप देख सकते हो या आप जानते हो इनको, आप बार बार आपने सुना है इनका चुनाव के वक्त जो है जब इनकी सरकार नहीं थी उस वक्त जो है इन्होंने कहा था एक सर के बदले हम चार सर लाएंगे और ये सरकार पूरी की पूरी तरीके से अपने वादों के खिलाफ हो गई है और वादा इनका एक भी पूरा नहीं हुआ है। ना किसी गरीब किसान का कर्जा माफ हुआ, ना किसी गरीब किसान के इसमें पैसा गया अकाउंट में। ये पूरी तरीके से सरकार फेल है और आज इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, आज हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ और बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये घटना जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। और इनके जो भी घरों के पीड़ित हैं मैं उनको मेरी तरफ से मैं उनको अपील करता हूँ कि आप अपनी हिम्मत रखिए और इसका फैसला कहीं ना कहीं खुदा ज़रूर करेगा। और मैं इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।